एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है करवा चौथ से दो दिन पहले की रात। आज है 15th of October, 17th को है करवा चौथ। दो दिन पहले मेहंदी लगवा लेती हूँ, एक तो वहाँ पे रश नहीं होता है और दूसरा आपकी मेहंदी करवा चौथ के दिन तक बहुत डार्क चढ़ जाती है। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:10 और मैं खा रही हूँ बनाना क्योंकि मुझे लगी है भूख, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डिनर वगैरह सब रेडी करके जा रही हूँ। आलू बीन्स की सब्जी बनाई है, घी और चने की दाल बनाई है, चपातियाँ बना के जा रही हूँ ताकि बाकी का काम मम्मा संभाल लें और मुझे मौका मिलेगा आज किसी और के हाथ से खाना खाने का। चाबी मुझे दो, ड्राइव मैं करूँगी। एक्सक्यूज मी, एक्टिवा मेरा और मैं ही ड्राइव करूँगी। तो तुम्हारा हो चाहे मेरा हो, ड्राइविंग मैं करूँगी। मुझे मैं पीछे नहीं बैठ सकती, को पता ना पीछे नहीं बैठ सकती मैं। क्यों नहीं बैठ सकते? नहीं, क्यों? मुझे डर लगता है। किस चीज से? पीछे बैठने से। नहीं, मुझे चाबी दे दे मेरे को, मैंने चलाना है। मेहंदी लगा के वापस आना, तब कैसे चलाओगे? मेहंदी लगा के मैं वापस तेरे साथ थोड़ी ना आऊंगी। पापा को फोन करूंगी और वो ऑफिस से आते वक्त मेरे को पिक करेंगे। बाय स्टेफू, बाय। तो अगर तूने मेरे को गिराया। जैस्मिन के पीछे बैठना बहुत डेंजरस है। क्यों? मैंने गिराया किसी को आज तक? मुझे नहीं पता। घर के बिल्कुल पास अपनी लोकेलिटी में ही मेहंदी स्टॉल था, तो वहीं पे हम लोग गए थे। आज मैं मेहंदी लगवा रही हूँ तो मम्मा काम संभाल रहे हैं, कल वो मेहंदी लगवाएंगे तो मैं काम संभालूंगी। घर में वैसे भी कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो उनको भी अटेंड करना है, तो मिल बांट के हम लोग सिस्टम बना के काम कर लेते हैं। मेहंदी डन, वेटिंग फॉर मिस्टर कुलदीप सिंह। मतलब फाइनली आपने मेरे साथ नहीं जाना। एक तो वैसे स्कूटी पे तुम्हारे पीछे बैठना रिस्की है और ऊपर से मेहंदी लगी हुई है जब मैं होल्ड भी नहीं कर सकती। क्यों, मैं ऐसा क्या करती हूँ? करती हूँ कुछ नहीं, पर मेरे को फोबिया है। हाय। और ये है 17th October 2019 का करवा चौथ का दिन और सुबह के 4:15 हो रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं सरगी। इस वक्त भूख बिल्कुल नहीं होती है लेकिन फिर भी एक रिचुअल माना जाता है, एक शगुन होता है सरगी खाना, तो थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। फेनियाँ ली है मैंने साथ में, आलू गोभी की सब्जी के साथ एक चपाती। और मैंने सुबह जो सूट पहना था वो मुझे 1 घंटे के बाद उतारना पड़ा क्योंकि मुझे स्टफी को वॉक पे लेके जाना था। वापिस आ गई अपने वही पुराने कपड़ों में, टी शर्ट एंड पजामाज। ये देखिए यहाँ पे क्या खाया जा रहा है हमारे फास्ट वाले दिन। क्या है ये? बर्गर। क्योंकि आज मैंने कुछ भी स्पेशल खाने में नहीं बनाया, आप ये सोच लीजिए कि मैंने लंच बनाया ही नहीं है, क्योंकि जब हमने खाना नहीं खाना है तो हमने किसी और को भी नहीं खिलाना है। बचा हुआ जो साग था और दाल थी वही मैंने आज सबको खाने में दिया है और ये डाइट पे है। और ये इस तरह मील, और ये इस तरह से डाइट चीट मील होता है। मुझे कितने लोगों ने बोला है कि आज थोड़ी सी पतली हुई है तो बस। और आज तो हस्बैंड भी खाना खा के जल्दी ऑफिस जा रहे हैं ताकि शाम को जल्दी आ सकें। तेरा भी फास्ट है, ये खाना क्यों नहीं खा रहा? पंडित जी, पंडित जी प्लीज उठ जाइए, कथा का टाइम हो गया है। पंडित जी उठ जाइए। हमेशा की तरह ये है हमारे वो पुराने पंडित जी जो कि अभी अपनी निद्रा में है। प्लीज डोंट माइंड गाइज, मैं जैस्मिन को पंडित जी कहती हूँ करवा चौथ के दिन, स्पेशली मजाक में कहते हैं हम लोग इसको क्योंकि कथा वही करती है। तो बस उसको मेहंदी मैंने लगाई थी, उसकी मेहंदी गीली थी तो उसको रेडी भी मैं ही कर रही हूँ। अगर से हमें को रेडी होने की क्या जरूरत है, शैम्पू लगाता हूँ, फेस वॉश लगाता हूँ, बस नहाना थोड़ी है। ये वो इंसान है जो जिंदगी में अगर चाहे तो कभी ना नहाए, कभी भी ना नहाए, इसे जबरदस्ती बोलना पड़ता है कि नहा। पानी, पानी। देखो मैं पानी। मुझे प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी है। झूठे। मम्मा के हाथों में मेहंदी मैंने रात को ही लगा दी थी तो उनके काफी डार्क चढ़ चुकी है। जैस्मिन को था कि मेरे दिन में लगाई जा रही है, दिन में मेहंदी नहीं चढ़ती है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेहंदी अच्छी चढ़नी चाहिए। पता नहीं लेमन लगाने का कोई इफेक्ट होता भी है कि नहीं, लेकिन हम लगाते हैं। एक्चुअल में तो मेहंदी पूरी उतार देने के बाद अपना रंग दिखाती है। ये एक कोइंसिडेंस है कि लगातार दूसरे साल करवा चौथ के दिन हमारी दीदी यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ हमारे साथ हैं। कथा सुनने के लिए काफ़ी लोग मंदिर वगैरह भी जाते हैं लेकिन हम इसी तरह से अपने घर में बैठ के जैस्मिन से ही कथा सुनते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं अब चेंज करना चाहती हूँ, सोचती हूँ कि नेक्स्ट ईयर से कथा सुनने के लिए हम कहीं बाहर जाएँ ताकि थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाए और फ्रेंड्स के साथ मिलने जुलने से ये फेस्टिवल और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आएगा।
तंग करता है ये। जरा सा कहीं गेट खुला रहे तो स्टफी बाहर और ब्रूनो के साथ जाके रोड पे मस्ती करता है। घर के अंदर खेलते रहें तो कोई डर नहीं, लेकिन रोड पे एक्सीडेंट का भी डर रहता है और स्टफी को फिर वापस बुलाना भी मुश्किल होता है, इसीलिए ब्रूनो को आवाज़ देनी पड़ती है। ब्रूनो को बुलाती हूँ, बिस्किट दिखाती हूँ तो वो भागा भागा आता है और उसके पीछे पीछे मिस्टर स्टफी भी आते हैं। अदरवाइज आजकल स्टफी की शरारतें इतनी बढ़ गई हैं कि जिस चीज़ से मना करो वो तो उसको करनी ही है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में डिनर रेडी करने के लिए। आज हम साबुत माँ की दाल ही बनाते हैं और राइस बनाते हैं। कुछ लोग खाना खाने के लिए बाहर भी जाते हैं, लेकिन आप सब तो जानते हैं कि मेरी प्रेफरेंस हमेशा घर का खाना ही होता है। बस अब मैं साबुत उड़द की दाल धो रही हूँ, दाल चढ़ा के चावल भी साथ ही बना दूँगी। हाय मम्मा। हाय जैस्मीन, कैसे हो? फैंटास्टिक। क्यों, आपको भूख प्यास नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं। वो पानी चाहिए? नो। पी लो। पानी के लिए तरस गई हूँ। सिर्फ पानी चाहिए होता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता। एक घंटा बाकी है पास। आपको पता, क्या पता चांद ने लेट आना हो, चांद का मूड ना हो। फिर चांद ऐसे कैसे नहीं आएगा? चांद तो आएगा। इतना मैसी है सब जगह, सिर्फ आपको मैसी मैस दिखाई देगा क्योंकि आज मेरा काम करने का बिल्कुल मूड नहीं था। जब पेट में कुछ नहीं होता है तो काम भी नहीं होता, तो कम बोला खेलते हैं। चल चलो। वायलेंट वायलेंट ये पढ़ता है। और ये हमारा फन टाइम, बच्चों को मारने का ड्रामा करूं तो स्टफी से ही बर्दाश्त नहीं होता है और वो मुझे रोकने की पूरी कोशिश करता है। काम सब खत्म हो चुका है, हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, चांद भी नहीं निकला है, तो हम सब लोग टाइम पास करने के लिए तंबोला खेलने लगे। 71, 25, 62, 25. तो लीजिए, जिसका इंतजार था करवा चौथ का, चांद भी निकल गया। सर, अगले साल तक या उससे अगले साल तक आपके लिए भी कोई व्रत रखेगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मिस्टर विशाल पटियाल? कुछ नहीं कहना चाहते, मैं माफ कर। क्या आप अपनी पत्नी के साथ व्रत रखेंगे उनके लिए? नहीं चाहिए कोई व्रत रखने वाली। तो रखा ही। ये बोल रहे हैं इन्हें कोई मिला नहीं है। ये बोल रहे हैं कि इनको व्रत रखने वाली कोई नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? क्या आपको लड़कियां नहीं पसंद? बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनमें मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं ब्लाइंड फेथ नहीं करती। किसी एक पर्सन के भूखे रहने से दूसरे की उम्र बढ़ जाती है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट करना मन को खुशी देता है, और जो चीज़ किसी को हार्म किए बिना मन को खुशी देती हो उसे ज़रूर कर लेना चाहिए। और यही रीज़न है कि हर साल हस्बैंड के मना करने के बावजूद भी मैं इस व्रत को करती हूँ। और वैसे भी कुछ घंटों के लिए भूखे या प्यासे रहना कोई बड़ी डील नहीं है। तो चलिए, डिनर टाइम हो गया है, सबको खाना सर्व कर रही हूँ ताकि सब लोग साथ बैठ के खाना खाएं। मैंने तो बस दाल और राइस ही बनाए थे, लेकिन हस्बैंड कुछ स्नैक्स वगैरह बाहर से ले आए थे। लास्ट ईयर भी मैंने अपना करवा चौथ का व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, इस बार भी मुझे रिक्वेस्ट थी कि व्लॉग ज़रूर शेयर करें, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ वही सिंपल रूटीन होती है, कुछ भी नया नहीं किया है मैंने इस बार भी। लेकिन फिर भी आप सबका प्यार जब लाइक्स और कॉमेंट के ज़रिए मुझे मिलता है तो मोटिवेशन तो मिलती ही है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।